आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ये फैसला लेने से पहले आपने क्या सोचा और क्यों किया? एक मिनट, आप उस दिन इसलिए जिद कर रहे थे ना कि आपको हमारी शादी के बारे में अपने परिवार वालों को बताना है, क्योंकि आपकी शादी तो रीमा मैम से होने वाली थी, है ना? बताना चाहिए था ना कि आपकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगर आपने ताई को बताया होता ना तो ऐसा कुछ करने को नहीं कहती। सर, आपने उनको पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्यों? ईशान, ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ, कहाँ लगी है? नहीं लगी ना? चुप। थैंक गॉड। सॉरी रीवा मैम, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों की शादी होने वाली थी। हमारी शादी हुई क्योंकि ताई की हालत बहुत खराब थी, इसलिए करनी पड़ी शादी। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं आपको। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं चलती। समीर रुको। रीवा, मुझे सभी से कुछ बात करनी है। तो कर लो। अकेले में? प्लीज एक्सक्यूज अस। आप रीवा मैम के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ सभी। हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारी फिक्र करना, तुम्हारी हिफाजत करना, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। किस शादी की बात कर रहे हैं आप? ये वही शादी है जिसने तुम्हारी बहन की जिंदगी को बचाया है। मैं जानती हूँ सर, इसलिए मैंने आपसे कहा भी ना, आपने जो कुछ भी किया मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, शुक्रगुजार रहूंगी आपकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके गलत फैसले को गलत नहीं बोलूंगी, और वो भी ऐसा फैसला जिसका असर इतनी जिंदगियों पर पड़ रहा है। सर, मुझसे शादी करके एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद की आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप दोनों के बीच में क्यों रोकना चाहते हैं आप मुझे। सर देखिए ना, आपके आसपास देखिए ना, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपसे और रीवा मैम से जुड़ा हुआ है। ना तो ये कमरा मेरा है, ना तो यहाँ रखी कोई चीज मेरी है। ये सब कुछ रीवा मैम का है। आप रीवा मैम क्यों नहीं रुक सकती? मैं यहाँ सभी गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।